तो गाइज ये वीडियो होने वाली है हमारा एपिसोड नंबर 4 ऑफ द न्यू सीरीज नो AEW और आज हम बात करने वाले हैं एडम हैंगमैन पेज के बारे में और आखिर कैसे इनका ये गिमिक ओरिजिनेट हुआ। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और अभी तक तो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है नो AEW की सीरीज और इसमें ऑलरेडी हम 3 एपिसोड कर चुके हैं, एक है जॉन मॉक्सली पर, एक यंग बक्स पे और एक केनी ओमेगा पे। तो अगर आपने ऑलरेडी वो नहीं देखा है तो हमारी नो AEW की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एडम पेज के बारे में जो कि अपने आप में काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक था। तो हम फटाफट से पहले स्टार्ट करेंगे कि कौन है एडम पेज, उनको जानेंगे और फिर बात करेंगे उनके हैंगमैन गिमिक के बारे में कि आखिर वो आया कहां से। तो एडम पेज का असली नाम है गाइस स्टीवी वोल्ट्ज और इनकी एज है 27 और जैसा कि हम जानते हैं करंटली साइन है ऑल इलीट रेसलिंग के साथ और ये जाने जाते हैं अपने बेस्ट काम के लिए गाइस जहां पे इन्होंने करा था कुछ इंडी प्रमोशंस में जिनमें से पहली थी कैरोलिना रेसलिंग फेडरेशन मिड अटलांटिक जिसको कहते हैं CWF मिड अटलांटिक और यहां पे ये हैवीवेट चैंपियन भी रहे थे और टैग टीम चैंपियन भी रहे थे। और ऐसे एक और प्रमोशन थी गाइस प्रीमियर रेसलिंग एक्सपीरियंस यानी कि PWX जहां पे ये 2-time टैग टीम चैंपियन रहे थे। एडम पेज अपने 8 साल के रिंग ऑफ ऑनर के टाइम के लिए भी जाने जाते हैं 2011 से लेकर 2018 तक जहां पर ये थे और वहां पर ये एक बार जीते थे ROH की वर्ल्ड 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप एज अ मेंबर ऑफ बुलेट क्लब विद द यंग बक्स यानी कि मैट जैक्सन और निक जैक्सन। अब क्योंकि गाइस NJPW और ROH काफी अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप में थे इसकी वजह से ROH के सुपरस्टार न्यू जापान में अभी तक जाते रहते हैं और ये जो रिलेशनशिप है अभी तक काफी अच्छे से चल रहा है। तो 2014 में गाइस इनका डेब्यू हुआ था NJPW में जहां पे बुलेट क्लब के साथ गए थे और उसमें इन्होंने कंपीट करा था काफी सारे टैग टीम टूर्नामेंट्स में। तो ये तो हो गई बेसिक चीजें कि किस चीज के लिए जाने जाते हैं, कहां कहां पे इन्होंने परफॉर्म करा है, लेकिन अब हम एक्चुअल चीज की बात करते हैं वो है इनका हैंगमैन गिमिक और आखिर वो आया कहां से। तो एक इंटरव्यू में कुछ साल पहले इन्होंने ये चीज रिवील करी थी कि जब इनको कॉल आया NJPW का और बताया गया कि इनको वहां पे जाना है और बुलेट क्लब का एक मेंबर बनना है तो वो उनके लिए काफी शॉकिंग चीज थी और इन्होंने वो एक्सपेक्ट नहीं करा था। अब बुलेट क्लब में ऑलरेडी एक रेसलर थे गाइस जिनका नाम था एडम कोल जिनको अब हम NXT में देखते हैं और उनका नाम क्योंकि एडम कोल था और यहाँ पे एक एडम पेज थे तो ये दोनों नाम आपस में थोड़े क्राउड के लिए कंफ्यूजिंग हो सकते थे, इसलिए एडम पेज चाहते थे कि अपना जो नाम है वो पूरे तरीके से चेंज कर दें। और गाइस न्यू जापान की मैनेजमेंट में से किसी ने इनको नेम सजेस्ट करा हैंगमैन पेज और उनको उस समय काफी अच्छा लगा इस वजह से उन्होंने इस नाम को अडॉप्ट कर लिया। अब हैंगमैन गिमिक गाइस बेसिकली ऐसा है कि ये अपने गले में एक रस्सी या फिर जिसको हम नूज कहते हैं उसको लेकर घूमते हैं और कोई भी जो इनका अपोनेंट होता है जिसको ये हेट करते हैं उसको ये रस्सी से टांग देते हैं जैसे कि यूजुअली लोग करते हैं जब कोई सुसाइड करता है। तो इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि कुछ लोग इससे काफी ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे, उनको ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा था कि काइंड ऑफ सुसाइड क्यों प्रमोट करा जा रहा है। लेकिन एडम पेज ने गाइस ये बताया कि वो इसके बारे में जितना सेंसिटिव हो सकते थे उन्होंने होने की कोशिश करी और अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि लोग उनके साथ काफी अच्छे से अटैच हो चुके हैं, उनका गिमिक वो जानते हैं कि ये कोई जानबूझ के नहीं करा जा रहा है, ये बस एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है और इसलिए एडम हैंगमैन पेज काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। अब हम बात करें गाइस तो 2016 में ROH का एक इवेंट था जिसका नाम था वॉर ऑफ वर्ल्ड्स टूर और यहां पे एडम पेज ने हील टर्न कर लिया था अपने फेस मेंबर्स पे और ज्वाइन कर लिया था बुलेट क्लब को। और इस सेगमेंट के एंड में हमें देखने को मिलता है गाइस कि वो क्रिस सेबिन को अपनी नूज से या फिर रस्सी से टांग देते हैं रिंग के साइड पे और यहां से जो है उनका हैंगमैन पेज का गिमिक और ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और एक छोटा सा फैक्ट गाइस मैं और बता दूं कि लूक गैलोस जब अपने टाइम में बुलेट क्लब में थे उनका भी कुछ काइंड ऑफ ऐसे नूज के साथ गिमिक था जो कि इन्होंने हैंगमैन पेज ने अडॉप्ट करा और उसको थोड़े और एक्सटेंड तक ले गए। और क्योंकि अब इनका ये गिमिक इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है तो वो नहीं चाहते कि वो इसको बने बनाई चीज को खराब करें। अब फटाफट से बात करते हैं तो इनके फिनिशर और सिग्नेचर मूव्स का नाम है गाइस टर्न द पेज एक है और दूसरे का नाम है राइट ऑफ पैसेज जो कि काफी बढ़िया मूव है। और गाइस ये 2015 में PWI यानी कि प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड के टॉप 500 रेसलर्स की लिस्ट में 190th रैंक पे थे तो वो इनके लिए एक अच्छी अचीवमेंट थी गाइस। लेकिन अभी इनका जो पोटेंशियल है वो उससे काफी दूर है और मुझे लगता है कि ऑल इलीट रेसलिंग के साथ साइन करने के बाद जो अब एडम पेज हमें देखने को मिलेंगे वो एक ऐसा नया रेसलर होगा, एक ऐसा नया टैलेंट होगा जो कि हमने पहले कभी विटनेस नहीं करा। और जैसा कि हम जानते हैं ऑल आउट जो कि होने वाला है ऑल इलीट रेसलिंग का अगला पेपरव्यू शिकागो में August 31st को, वहां पे लड़ेंगे क्रिस जेरिको से टू क्राउन द फर्स्ट एवर AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो काफी बड़ा स्टेप यहां पे भी एडम हैंगमैन पेज के लिए है हमको प्रूव करने के लिए आखिर किस तरीके के वो रेसलर हैं और दुनिया को दिखाने के लिए कि आखिर एडम पेज कौन है। तो गाइस ये थी सारी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता था एडम हैंगमैन पेज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें और हमारे को कमेंट्स में आइडियाज दें कि आने वाले एपिसोड्स में आप कौन से टॉपिक्स इस सीरीज में कवर करते हुए हमें देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।